प्लान आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी में आपको डिस्कस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है और इसका साइज है 35x35, 35x35 फुट में बना है। इस मॉडल को आप देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन से दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने बेहतरीन दिख रहा है और सारा आपको दिख रहा है। देखिए जो मकान बना है ना, वो आपका 35x35 एरिया है और जो आप साइड में ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये अलग है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाली बाउंड्री की ना, ये जो बाउंड्री गई है, ये पूरा 35x35 में बना हुआ है। इसलिए मैंने लगभग यहाँ पर 4 फुट इधर छोड़ा है और 4 फुट आगे छोड़ा है, इसके बाद पूरा मकान बना हुआ है। तो अप्रॉक्स मकान ये 30x30 में ही आपका बना है ओवरऑल। और ये आपकी बाउंड्री वॉल है चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है 30x30 का जो बना हुआ है। लेकिन बाउंड्री को भी अगर हम कवर करेंगे तो 35x35 में लगभग 4-4 फुट का, 4.5 फुट का बाउंड्री वॉल दो तरफ छूट है, फ्रंट में और उसके साइड में। तो देखिएगा ऐसा प्लान है आपके सामने, मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। स्टेयर्स केसेस में बाहर से दी गई है और जो पूरा डिटेल है आप देख पा रहे होंगे कितना, इधर से फिलहाल आपका क्लोज ही रहेगा बट इधर से ओपन रहेगा, इसलिए मैंने विंडो और प्लांटेशन वगैरह कर रखा है जिससे खूबसूरती इसकी और बढ़े। तो ये मॉडल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों इस माला उस प्लान को तो आप कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहते हैं बेहतरीन बेहतरीन से वीडियो। तो चलो आज का टॉपिक है उसे हम पूरा एलिब्रेट करेंगे, इसका पूरा डिटेल दिखाएंगे। पहले मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको इसकी रियलिस्टिक चीज की ग्रिल वगैरह आप देख पा रहे हो, गेट देख पा रहे होंगे, कार पार्किंग, इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ आपको देख लें प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन घर का डिजाइन आपका लगने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन के लिए। ये देखिए फ्रंट पे सबसे पहले आपके डोर वगैरह लगे हुए हैं और कलर कॉम्बिनेशन लगा। मैं बात करता हूँ ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मेन डोर है जहां से एंट्री करेंगे, इसके बाद ये आपको बड़ा सा बारंदा टाइप का मिलता है ना, काफी बड़ा एरिया है। इसके पास में देखिए आगे भी आपको 4 फुट की ग्रीन एरिया मिलता है, इधर भी ग्रीन एरिया मिलता है वेंटिलेशन के लिए। इसका देखिए आपकी स्टेयर्स है जहां से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे और टर्न होकर वापस, इसके नीचे भी आप एक लेट एंड बाथ बना सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। आप चाहते हैं तो उसके नीचे एक लेट बना सकते हैं, छोटा सा आराम से इतना स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ये मेन डोर है जहां से एंट्री करेंगे। अब आ जाते हैं अपने इस एरिया में। इस एरिया से आपकी सभी जगह एंट्री होती है। इस कॉर्नर पर एक बेडरूम बना, उसके जस्ट आगे किचन, जो कि ये विंडो लगा है किचन को वेंटिलेट करने के लिए। मैं बात करें ये आपका लेटरिन बाथ यहाँ पर बना है, ये दो बेडरूम और आपके बने हैं, दोनों का एक्सेस अंदर से है और इस वाले को गेस्ट रूम बना सकते हैं आपको, इसलिए मैंने बाहर से भी एक डोर दे रखा है और यहाँ पर एक विंडो दे रखा है और इस साइड में तो विंडो ऑलरेडी देखी। इस दोनों बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन है क्योंकि यहाँ पर आपने जगह छोड़ रखी है 4 फिट और उस पर मैंने विंडो भी दे रखा है। बात रहती है कि आपके इस वाले की इसके वेंटिलेशन की, तो आपको बीच में जाल रखवाना होगा, ये लेट एंड बाथ किचन वगैरह सारा और वेंटिलेट होता रहेगा। हालांकि किचन में मैंने ऑलरेडी पहले से एक विंडो दे रखा है। ये आपकी कार पार्किंग है, काफी बड़ा एरिया देखिए, अप्रॉक्स 30 फिट है ना, 30 फिट में आपका ये 12 फिट ये निकल जाता है, बाद बाकी का 18 फिट का ये यहाँ से लगभग में एरिया बचता है और ये अलग है। इसका अगर आप 2D प्लान चाहते हैं तो आपको कुछ पे करना होगा, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें और मैं आपका इसका 2D प्लान दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ पे करना होता है ना। तो ये पूरा मॉडल आपका बहुत ही खूबसूरत आपका देखने को मिल लग रहा होगा। देखिए मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, ग्रिल का डिजाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो मैंने डिजाइनिंग वगैरह की है देख सकते हैं आप, इधर भी आप देख सकते हैं कॉर्नर का पूरा सब कुछ आपको बहुत ही खूबसूरत देखने वाला है। अब बात कर ये इसका देखिए लास्ट फ्लोर जाके मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैक्सिमम जूम करता हूँ। इसका टॉप व्यू की बात करें 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल ओवरऑल, छत बाहर से स्टेयर्स थी इसलिए मैंने गुमटी बनाई नहीं है और आगे ग्रिल का डिजाइन आप देख सकते हैं जो कि घर को 4 चांद लगाता है आपका, यही पूरा घर के लुक को और बेहतरीन आपको दे देता है। तो ये पूरा अगर मकान आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कर लें। दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूँ, आप उसे अगर लेना चाहते हैं ना तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको हाउस क्रिएट करता हूँ। इसमें आपको पे करना होता है 50% पहले 50% बाद में। और अगर आप इसका एस्टिमेट जानना चाहते हैं इसमें पैसा कितना लगेगा, तो दोस्तों मेरा एक एप्लीकेशन है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करके वहां से सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।